भाई, दिस इज़ पार्ट ऑफ खरीफ। गाड़ी की हालत चेक करें, ये है बस, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ होगी और गाड़ी की हालत ये रहेगी। यही होती हैं वो गाड़ियाँ जो हम गरीबों के गाड़ियों पे पानी उड़ाती हुई जाती हैं, और अगर हमारे शीशे खुले रह जाएं तो बस हो गया काम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ग्रोसरी पे आ गए हैं कुछ चीज़ें लेने। भाई रास्ता बहुत लंबा है तो कुछ लेना पड़ेगा। ये वाले भी नहीं थे। लोकेशन पे पहुंच गए। तो ये है एनाथून, यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है आगे और बहुत ही प्यारा लगता है। और ये ही हल्की हल्की बारिश हो रही है जो कि नज़र भी नहीं आती। ये पूरे सीज़न चलेगी, एक महीने दो महीने, और उसके बाद ये फुल ग्रीन हो जाएगा फिलहाल। और बहुत मच्छर होते हैं जो कि इतना बुरा काटते हैं ना कि आपको नानियाद आ जाती हैं। दो दिन तक ना आप खुजाती रहते हो। बस ब्लाउज तो दे दो यार, बस इसको ना बार बार हाथ हिलाते रहिएगा मच्छरों की वजह से, बार बार से मुंह पे। ब्यूटीफुल व्यू। हाँ है, ये लोग कहाँ गए? इट लुक लाइक जैसे किसी जन्नत में आ गया हूँ। इतनी पतली पतली बूंदाबांदी हो रही है, नज़र भी नहीं आती, बट बहुत ही प्यारा मौसम होता है। बस ये इतना ही होता है कि जो है यहाँ आओ, व्यू देखो, फोटोज़ लो और वापस वापस चलो। और हम ये इतना पैक जो है ना, ये जैकेट हमने पहने हुए, ये सर्दी नहीं है यहाँ बिल्कुल, बस हमने मच्छरों की वजह से ही पहना है कि यहाँ मच्छर इतने ज़ालिम होते हैं ना कि उनके लिए ये पहनना ही पड़ता है, वरना तो ना काट ही खा जाएं वो कमीने। Thank you.
ये हमारी घड़ी है, घड़ी गाड़ी नहीं खोलना, गाड़ी नहीं खोलना, वाले सारे ना हैं, गाड़ी में भर चुके हैं हमारे, नहीं जाके बैठना ही है। सेकेंड स्टॉप और यहाँ पे हम वॉशरूम ब्रेक था, अब हम कुछ रिफ्रेशमेंट खाएंगे एंड फिर देखते हैं कि खाने का क्या करना है। तो दैट इज द अपडेट। एक तो यहाँ पे कीचड़ का कुछ पता नहीं चलता, कहीं भी निकल जाती है, इसलिए हम लोगों ने शूज ही पहनने पड़ते हैं। आते आते ना हालत ऐसी हो जाती है, घर आते आते। तो भाई मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके बाय। ये देखो भाई, ये यहाँ, फिर यहाँ, ये लग रहा है पूरे हाथ ही खा गए कुत्ते।